कन्याकुमारी से कश्मीर तक ट्रेन पहुंचने का इंतजार सब भारतीयों को है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों से ट्रेन में सफर करने का इंतजार सभी लोगों को है और अब यह सपना जल्द ही साकार भी हो जाएगा। कश्मीर तक ट्रेन पहुंचाने का प्रोजेक्ट कम्पलीशन की ओर बढ़ रहा है, उसमें न्यू माइलस्टोन्स ऐड हो रहे हैं और यह प्रोजेक्ट अब कम्पलीशन के एक स्टेप और नजदीक पहुंच चुका है। कश्मीर तक ट्रेन पहुंचाने के लिए चल रहे USTL प्रोजेक्ट की सिर्फ एक लेग का काम बचता था, जो थी कटरा से लेके बनिहाल वाली सेक्शन, 111 किलोमीटर वाली सेक्शन, और यह सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसमें से बनिहाल से लेके संगलदान के बीच में ऑलरेडी ट्रेन चल रही है और अब ऐसी न्यूज आ रही है कि 30 जून को संगलदान से फर्दर रियासी रेलवे स्टेशन तक ट्रेन चल जाएगी। जी हाँ, इस 30 जून को रियासी रेलवे स्टेशन तक ट्रेन पहुंचेगी और आप रियासी से सीधा श्रीनगर बारामूला तक जा सकते हो। हम आपको बता दें कि कटरा तक ऑलरेडी ट्रेन आ रही है और उसके बाद वाला स्टेशन, कटरा से बाद वाला स्टेशन रियासी रेलवे स्टेशन है और कटरा से आगे सिर्फ एक ही टनल का काम बचता है, जो इस प्रोजेक्ट में बाधा बने हुए हैं। लेकिन इससे पहले, इस टनल के बनने से पहले रियासी रेलवे स्टेशन तक ट्रेन को चला दिया जाएगा। फिलहाल की बात करें तो रियासी रेलवे स्टेशन अब शेप लेता नजर आ रहा है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चन्ना ब्रिज भी अब ट्रेन चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। 30 जून को कहा जा रहा है कि रियासी रेलवे स्टेशन तक संगलदान से ट्रेन आ जाएगी, यानी कि रियासी रेलवे स्टेशन से अब संगलदान, बनिहाल और बारामूला तक ट्रेन चलने लगेगी, जहां पर ट्रेन चलने के बाद ऑफिशियली यह प्रोजेक्ट 90% से ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा और फिर रियासी रेलवे स्टेशन से कटरा रेलवे स्टेशन का ट्रैक ही बच जाएगा, जिसमें टनल T1 का काम फिलहाल लगा हुआ है और उसको 2 से 3 महीनों के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। रियासी रेलवे स्टेशन का काम अभी जोरों शोरों से फर्निशिंग का चल रहा है, मैक्सिमम काम इसका कंप्लीट हो चुका है और यह स्टेशन अब बिल्कुल ट्रेन को होस्ट करने के लिए तैयार हो रहा है। रियासी रेलवे स्टेशन के बाद बक्कल रेलवे स्टेशन आएगा, जो कि चन्नाब ब्रिज के पास में है। उसके बाद दुग्गा रेलवे स्टेशन और बसंतीदार रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम अब सावलाकोट रेलवे स्टेशन है, और उसके बाद फिर ट्रेन संगलदान तक पहुंच जाएगी, जहां तक ट्रेन ऑलरेडी बनिहाल से लेकर संगलदान के बीच में चल रही है। यह लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कटरा तक ट्रेन पहुंचने में अभी भी इस साल के आखिर तक का समय लग सकता है, लेकिन उससे पहले रियासी रेलवे स्टेशन तक ट्रेन पहुंचने से काफी लोगों को राहत मिलेगी। जब पहले कटरा से लेकर बनिहाल सेक्शन का काम चल रहा था तो ट्रेन श्रीनगर से बनिहाल तक आती थी, फिर लोग बनिहाल से टैक्सी करके या फिर बस में जम्मू के लिए आते थे, और उसके बाद ट्रेन अब संगलदान रेलवे स्टेशन तक चलने लगी है और अब लोग संगलदान तक कश्मीर से ट्रेन में आते हैं और उसके बाद वहां से जम्मू के लिए आते हैं। लेकिन ट्रेन अब सीधे रियासी रेलवे स्टेशन तक आ जाएगी और रियासी रेलवे स्टेशन से कटरा रेलवे स्टेशन सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि कश्मीर श्रीनगर से आने वाले लोग सीधा रियासी रेलवे स्टेशन तक आएंगे और उसके बाद सिर्फ 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके कटरा से फर्दर जम्मू के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। USVLR प्रोजेक्ट का काम तो जोरों शोरों से चल रहा है और रेलवे का कहना है कि इसको इस साल के आखिरी तक बना के तैयार कर दिया जाएगा, यानी कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ट्रेन अब इस साल के आखिरी तक चलने लगेगी। जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट के हमले भी होने लगे हैं, अगर इसका इम्पैक्ट डेट के ऊपर पड़ता है तो यह प्रोजेक्ट फर्दर डिले हो सकता है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट का काम तेजी के साथ चल रहा है और 30 जून को रियासी रेलवे स्टेशन तक ट्रेन पहुंचने वाली है। T1 टनल का काम भी 2 से 3 महीनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और ट्रेन कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चलने लगेगी।